सज्जन सच्चा पातशाह सिरसाहां दे साहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा जिनके घोड़े गैल लख, तोपन कई हजार, तख्त पातशाही बह करत तिन दासन दीने गार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, बड़ा सुभागा समा मिलिया अज फिर सतगुर सच्चे पातशाह राजन के राजा, महाराजन के महाराजा श्री गुरु कलगीधर महाराज जी ने अपार बख्शिश ते कृपा कीती है, साडे मनुखी जीवां ते थापड़ा दिता है, सानू कथा करन दा भाग प्राप्त होया, ते तुहानू संगत नू सुनन दा सुनना ज़्यादा औखा है कथा करन नालों, क्योंकि उहदे विच सारियां इंद्रियां कागर रखनियां पैंदियां ने। ते आओ प्राचीन पंथ प्रकाश दा ओ प्रकाश साढ़े च भी हो सके, जिहड़ी कथा सुन के कबरां दे विच्चों मुरदे जाग पैंदे ने, उन्हां दे हड्डियां दे उत्ते मास मुढ़ तो चढ़ पैंदा, ते जंग युद्ध लई तैयार हो जांदे ने। ऐसी कथा सुनीए जो कवि रतन सिंह जी ने इस प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच पुरातन सिंघां दा वरतारा लिखिया है, गुरु साहिबां दा इतिहास लिखिया है। ते मन बिरतियां कागर करो, ते आओ सरवण करिए। दोहरा जिनके घोड़े गैर लख, तोपण कई हजार। हुण इत्थे रतन सिंह जी कहिंदे ने कि मरी मेरी गल सुन, जिन्हां दे कोल घोड़े सी लखां मन बरूद सी, हजारां घोड़े लखां सिपाही, ते जिहड़े गिणती च नहीं सी आउंदे इन्ने हथियार सी मुगलां कोल, तख्त पातशाही बह करत तिन दासन दीने गार। ते जिहड़े अपने आप नूं पातशाहियां दे मालक कहिंदे सी, तख्तां दे उत्ते बैठे है हस हस के लोकां दा न्याय करदे सी मरी, ओह तां उहदे चेले ने, उहदे चेलिआं ने, सिखां सेवकां ने इह दसी इह गल कि भी जिहड़े पातशाहियां दा दावा रखदे सी मुगल जिहड़े सी, रतन सिंह जी मरी नूं कह रहे आ, क्योंकि पिछे असीं सरवण कीता कि मरी पुछदा कि इन्हां सिखां नूं पातशाहियां किन्ने दित्तियां, कि जिहड़े बब्बर शेर सी बब्बर शेरां नूं बकरियां भेडां ने किन्ने मारिआ, किवें मारिआ दसो। ते रतन सिंह जी उही गल कर रहे ने कि तख्त ते बैठे जिहड़े पातशाहियां करदे सन, न्याय इंसाफ करदे सन, उहनां नूं किवें गाल दित्ता, उहदे चेलिआं नहीं, उहदे सिखां सेवकां नहीं, इह तां दस। ते इह फिर रतन सिंह जी मरी नूं कह रहे ने, भांग नुगद लै नाम सिर डारे जा के दास। ते इत्थे हुण गल आ गई है पंथ दी, कि जिहड़ा हुण मरी नूं कहिंदे आ कि मरी गल सुन, इह तां पंथ दी गल है, जिहड़ा पंथ साजिआ इह गुरु नानक साहिब ने 1469 तों ही पंथ साजिआ, ते अकाल पुरख ने पंथ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਤੇ ਮਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੱਡ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਮਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਗ ਨੁਗਦ ਲੈ ਨਾਮ ਸਿਰ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਚਾਹੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਪਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਦ ਫੋਕ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ
जो गोला बनाते ने सिंह तो फिर वो दुश्मन के सिर झाड़ देंगे ने कि जेड़ा दुश्मन कोई आउंदा होवे किहड़े पासे उहदों विफता आउंदी होवे उस पासे नूं जदों सिंह गोला सुटदा है उस गोले की करामात ही इन्नी समझाई नहीं जा सकती। तो वह मालक ने ऐसे नुकदे दे विच शक्ति पाई है कि जिहदे सिर झाड़ दिंदा सिंह गोला उहदा सिर ही दुष्ट दा गाल के रख दिंदा मरी। ऐसी कला है गुरु दे सिंघां दे नुकदे दे विच गोले दे विच रहे नाड़ ने योग वो तुरत होए तहनास। ते ओ अड़न योग नहीं रहिंदा फिर खालसा जी। खालसे नूं महाराज ने शक्तियां ही इन्नियां दित्तियां इन्नियां पावरां दे के भेजिया कि जिन्हें भी खालसे दे अगे सिर लाया उहदा सिर अगे अड़ ही नहीं सकिया। उहदा खालसे ने सिर उहदा लाया ही आ। फिर वह फिर देखो कि जिहड़े सिख जिहड़े लंगरां च सेवा करते ने है ना देगां दी सेवा करते आ प्रशादियां दी सेवा करते घोड़ियां दी सेवा करते जिहड़े भांडे मांजदे आ उहनां दे विच किन्नी शक्ति आ। ते इह गल दस रहे आ कि जिहड़े सिख गुरु घर दे जोड़े झाड़दे ने ते वड्डे वड्डे पातशाह नूं देखो इदां ही बैठियां ही गाल दिंदे आ ते किदां जदों नुगदा मारदे ने उहनां सिर ते उहनूं फनाह करके रख दिंदे ने जिवें तोप दा गोला किसे दीवार दे उत्ते वजे ते दीवार निस्तो नाबूत हो जांदी आ ते उत्थे खत्म हो जांदी आ उह दीवार। कब्बे तबतीस मरी ने प्यारे बच हम स्यों चारे तब। ते हुण रतन सिंह जी कहिंदे आ कि मरी दे नाल हुण अपना बड़ा प्यार पै गया सी उहदे नाल हुण ज़्यादा बचन बिलास होन लगे ते मेरे कोल कहिंदे रोज़ आ जांदे सी ते रोज़ बचन बिलास होंदे सी मरी दे नाल इन्ना प्यार पै गया सी अपना। नानक जी पाई जिम शही कहो सो डब। ते हुण मरी जद बचन बिलास हो रहे रतन सिंह जी दे नाल एक दफा ते मरी पुछदा रतन सिंह जी हुण ओह ढंग दसो जिहड़ा गुरु नानक साहब ने कित्थों पातशाही पाई है ते कित्थों लियांदी है ते किदां उन्होंने पातशाह बना दिते बाबे नानक ने पातशाही कित्थों लियांदी सी ओह दस मैनू ढंग रतन सिंह। हम उसे यूं सुनाई सुनो संत मित भाई हे संत जनो हे मित्रो हे गुरसिखो मैं जिवें उहनूं सुनाई ये गल उहदा उत्तर दिता तुसीं वी सुनो चंगी तरां। सुन के बुलाए समझाए कही निज रब। कहिंदे ने गुरु नानक साहब नूं उहनां नूं अकाल पुरख ने बुला के उहनां नूं आप रब ने कह के भेजिया। राजा कर कहिया मोर उहै किम पूजे होर। ते अकाल पुरख ने आख्या कहिंदे तूं मेरे वल्लों राजा है मेरे वल्लों तूं बादशाह है सारे जहां दा। गुरु नानक साहब ते अकाल पुरख दे विच दी गोष्ट दस रहे ने मरी नूं कि गुरु नानक साहब नूं अकाल पुरख ने आख्या कि सारी दुनिया दा तू राजा है तू बादशाह है जा जा के तू लोकां नूं न्याय दे इंसाफ दे उहनां नूं ते जिहड़ी रईयत उत्ते जुल्म हो रहे ने जिहड़े मजलूमां दे उत्ते जुल्म हो रहे ने भेड़ा बकरियां वांगू शेर भेड़ा बकरियां नूं खाई जा रहे ने ते जिहड़े हाकम लोक ने जाओ उहनां नूं समझाओ सारी गल। कहिंदे ने गुरु नानक साहब नूं आप परमेसर ने अपने कोल बुलाया कोल बुला के उहनां नूं इस ढंग नाल समझाउणा कीता। अंग सो लगाए कही जावी है जरूर आबू। ते परमेसर ने अपने अंग नाल लगाया भाव अपने अंगां दी शो प्राप्त कराई गुरु नानक साहब नूं ते गल बकड़ी दे विच लिया एक हिसाब नाल ते जिन्हों जिन्हां नूं हुक्म दे के भेजिया जाओ छेती जाओ। प्रजा बड़ी दुखी है गुरु नानक जी पाप वरत रहा दुनिया दे उत्ते ये धरती जद पापां दे विच पै गई सी संगत जी ते फिर धरती ने फरियाद कीती सी अकाल पुरख दे अगे कि अकाल पुरख मैनू बचा इन्हां दैंतां तों इन्हां पापियां तों कलयुग दा बड़ा वरतारा हो रहा है। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ
कोई पुछ पुछा नहीं सी हो रहा, कोई उन्होंने न्याय नहीं सी मिल रहा। उस समय जाओ मैं तो तेनू बादशाह बनाया। हूँ अकाल पुरख जी कह रहे हैं, हे गुरु नानक साहब, तुहानू मैं बादशाह बना के भेज रहा सूर सारी को लाल में दुनिया का, तो तुसी जाके दुनिया के दिलों ते राज करना है। ते राज जाके कहिंदे हुक्म होया जदों गुरु नानक साहब जी नू दरगाह विच्चों, ते की हुक्म होया ये भाई गुरदास जी ने लिखिया इदा जी पढ़ते हाँ। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन हुआ, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापन हुआ। ये जाके फिर उन्होंने हुक्म होया ते गुरु नानक साहब जी इस कलयुग दे विच अवतार धारिया। नानक कहावो नाम बेदी कुल पावो जाए, ते गुरु नानक साहब ने बेदियां दे कुल दे विच आ के जन्म लिया। जिहड़ी उत्तम कुल सी जिहड़े वेद पढ़ाउण दा कम चले आ रहा सी सदियां तों, इन्हां दी कुल दे विच वेद पढ़ाउंदे सी। जिथे गुरु नानक साहब ने आ के अवतार धारिया ना, वो सारे बेदी वंश दे विचों सी जिहड़े वेद पढ़ाउंदे सी पुरखे, ते उदों भी वेद पढ़ाउंदा ही कम करदे सी। ते जिहड़ी उत्तम कुल सी संसार दी, संसार दे उत्ते उत्तम कुल सी उस समय की जिहड़े वेद पढ़ाउण वाले सी, वेद पढ़ाउण वालियां दी कुल नूं उत्तम कुल कहिंदे सी उस समय। ते उहदे विच आ के प्रवेश करो, काल पुरख ने आख्या उहदे विच जाके जन्म धारना करो, राखो जो आवे शरण दुष्टन को गारो दबो। ते जाओ गुरु नानक जी, जेड़ा तुहाडी शरण आवे ओनू कंठ ना लगाउणा करो, ओनू रब दे नाल मिलाउणा करो, ओनू रख लो ओनू बचा लो। जेड़ा दुष्ट आवे ओनू गाल दिओ, एक करी दस दिओ अकाल पुरख दी जेड़ी शक्ति प्रगट होई है इन्हां पापियां नू गाल के आ नाश कर दिओ उन्हां पापियां दा। ते सच ए वी कि जद गुरु नानक साहब प्रगट होए उस समय सारे जग दे उत्ते बड़ी पापां दी धुंद सी, बड़ा वरतारा वरत रहा सी। ते फिर सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस पृथ्वी नू तारिया, पापां तो मुक्त कराया, ते इस संसार नू नाम वाले पासे लाया, काल पुरख दे नाल जोड़िया। बाकी सारी कथा कल नू सुनावांगे, अज इत्थे समाप्ति, भुल्लां चुक्कां दी मुआफ़ी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।